पूर्व सैनिकों की सुविधा के लिए हमीरपुर सीएसडी कैंटीन में अब कोविड प्रोटोकॉल के तहत सामान का वितरण किया जा रहा है। हालांकि पिछले काफी दिनों से सीएसडी कैंटीन बंद पड़ी हुई थी, लेकिन अब कोरोना कर्फ्यू में छूट मिलने पर कैंटीन को रोजाना खोला जा रहा है, जिसमें फोन पर बुकिंग करवाने वाले 100 ही लोगों को सामान का वितरण किया जा रहा है। वहीं कैंटीन में आने वाले हर व्यक्ति का थर्मल स्क्रीनिंग कर टेस्ट भी लिया जा रहा है, ताकि संक्रमण से बचा जा सके। सीएसडी कैंटीन हमीरपुर के मैनेजर कर्नल सुरेश कुमार ने बताया कि कैंटीन में कोविड प्रोटोकॉल के तहत सामान का वितरण किया जा रहा है और फोन पर बुकिंग के माध्यम से ही रोजाना 100 लोगों को ही सामान दिया जा रहा है, ताकि कैंटीन में भीड़ न उमड़े। उन्होंने पूर्व सैनिकों से भी अपील की है कि कोविड महामारी से बचाव के लिए पूर्णतः एहतियात बरतें और नियमों का पालन करें। अभी जैसे आपको पता है कि कोरोना की वजह से आज तक लॉकडाउन की वजह से बंद था, अभी जस्ट मंगलवार को खुला है। तो हमने इससे पहले ही सभी अपने जो वेटरन हैं उनको इन्फॉर्म कर दिया था पेपर में निकाल के कि 100 आदमी की बुकिंग की जाएगी, और वो एक दिन पहले 2 बजे से लेके 4:30 बजे के बीच होती है। उसके लिए 2 टेलीफोन नंबर, 1 लैंडलाइन और 1 मोबाइल अवेलेबल करा रखा है। उसमें स्टार्टिंग में पहले दिन हमने 100 आदमी की बुकिंग की थी, तो फिर आधा घंटा पहले ही थोड़ा सा भीड़ कम हो गई, तो बाद में हमने कल से 125 आदमी कर दिए। तो जैसे अगर क्योंकि भीड़ लगाना कोरोना के टाइम में बहुत मुश्किल है, तो बीमारी से भी बचना है और अपने भूतपूर्व सैनिकों के वेलफेयर के लिए उनको सामान भी देना है टाइम पर। कोविड प्रोटोकॉल के लिए हमने सुबह कैंटीन को सैनिटाइज करते हैं, पूरी कैंटीन को सैनिटाइज करते हैं अंदर बाहर से, उसके बाद ही शुरू होता है। और जैसे एंट्री, हमने सभी एंट्री बंद कर दी हैं, सिर्फ एक एंट्री रखी है नीचे, उसमें हम सबसे पहले टेम्परेचर नापते हैं और उसके बाद उनको बंदों को सैनिटाइज करके उसके बाद ही उनको अंदर आने देते हैं। और पूरा ध्यान रखा जा रहा है कि 2 गज की दूरी, 2 से ज़्यादा हमने 3 गज की दूरी से शुरू कर दी है, 3 गज की दूरी पर ही आदमी रहेगा। और कैंटीन के अंदर भी आप जब भी देखोगे 5 या 6 आदमी ही दूर दूर मिलेंगे, जब वो निकलेंगे तब अगले 5 आदमी आएंगे। और सैनिटाइज कर रहे हैं कैंटीन को, मास्क के बगैर कोई अंदर नहीं आ रहा है, और जो डिस्टेंस है सोशल डिस्टेंस उसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। अभी सामान पूरा है, क्योंकि पिछले महीने हम सिर्फ 6 दिन सामान बेचा था, 7 से लॉकडाउन शुरू हो गया था, तो 6 दिन के बाद हमारे पास काफ़ी सामान पड़ा है, लीकर भी काफ़ी है और सामान भी काफ़ी है। अभी थोड़ा सा सामान अभी अगले वीक से पहले ग्रोसरी फिर आ रही है, क्योंकि पंजाब से भी बंद था, सामान आना भी बंद था, वहाँ से गाड़ियाँ भी बंद थी, लेकिन अभी ग्रोसरी और लीकर काफ़ी है। नेक्स्ट 15 जून तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे पहले हमारी ग्रोसरी आ जाएगी। वहीं कैंटीन में सामान खरीदने के लिए पहुंचे हुए पूर्व सैनिकों ने बताया कि कैंटीन में सामान लेने के लिए आए हुए हैं और बुकिंग की बजाय पहले जैसे ही सिस्टम सामान के वितरण के लिए होना चाहिए, क्योंकि बुकिंग के लिए समस्या पेश आ रही है। पूर्व सैनिकों ने बताया कि कैंटीन में भीड़ इकट्ठा ना हो इसके लिए प्रावधान किया गया है और बढ़िया तरीके से कैंटीन में सामान मिल रहा है। ठीक है, सामान ठीक। हाँ जी, हाँ जी, सामान सामान ग्रोसरी लेंगे, लिक्विड लेंगे, नाइफ्स अक्सर बस में नाइफ्स वाल बदल चीन। इसमें ऐसे हो रहा है, इसमें दिक्कत आ रही है, इसमें 2-2 घंटे तक नहीं मिलता है फ़ोन, और बाद में जो है वो फ़ोन मिलता तो बुकिंग हो जाती है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है।